हे गाइज वंस अगेन वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेडिक्योर बॉडी इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस बर्ड फ्लू द प्रीवियस लेक्चर दैट आई हैव अपलोडेड वॉज अबाउट स्वाइन फ्लू अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके उसे विजिट कर सकते हैं बर्ड फ्लू क्या होता है ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है ठीक है और ये बहुत रेयरली ह्यूमन्स को एफेक्ट करता है ज़्यादातर ये डोमेस्टिक बर्ड्स को अफ़ेक्ट करता है लाइक चिकन्स डक्स टर्की आपने बहुत बार सुना होगा टीवी में न्यूज़ चैनल्स में बोलते हैं दैट बर्ड फ्लू फैला हुआ है अभी हमें चिकन कंज्यूम नहीं करना चाहिए या फिर कोई भी ऐसे जो भी बर्ड से मीट प्रोडक्ट्स आते हैं वो सब हमें कंज्यूम नहीं करने चाहिए ठीक है बर्ड फ्लू वायरस जो होता है दिस इज कॉज्ड बाई इन्फ्लुएंजा एच फाइव एन वन वायरस नाउ इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव थॉट यू स्वाइन फ्लू कौन से वायरस से होता है अगर आपको पता है तो जल्दी से कॉमेंट कर दीजिए और अगर नहीं पता तो प्लीज़ जाके स्वाइन फ्लू वाला लेक्चर अभी तुरंत देखिए तो एच फाइव एन वन वायरस जो होता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग बर्ड फ्लू इन ह्यूमंस ट्रांसमिशन कैसा होता है इसका तो poltries, तो कंटामिनेटेड पोल्ट्रीज एक जो बर्ड होते हैं पोल्ट्री फार्म के अगर वो कंटामिनेटेड हो गए तो उसकी वजह से उस जो उनकी देख रेख कर रहा है उसको हो सकता है और उससे वो फिर ट्रांसफर हो सकता है और जो एक्सक्रीशन होती है इन्फेक्टेड बर्ड की दैट इज एक्सक्रीटा उसमें भी ये स्प्रेड हो सकता है इसके सिम्टम्स कैसे आते हैं तो बेसिकली इंफ्लुएंजा की जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं फीवर शोर थ्रोट मसल पेन ये सारे देखने को मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो रेस्पिरेटरी है उसको भी बहुत ज़्यादा एफेक्ट करता है तो आई इन्फेक्शन निमोनिया लाइक सिम्टम्स ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व होती है यहाँ पर ठीक है उसके अलावा किसी को फीवर हो गया कफ लाइक -like सिम्टम्स मिल सकते हैं एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑल टूगेदर दिस इफेक्ट्स द रेस्पायरेटरी सिम्टम्स और दिस इफेक्ट्स द रेस्पायरेटरी सिस्टम एंड प्रड्यूजेज रेस्पायरेटरी सिम्टम्स कमिंग टू द लेबरेट्री फाइंडिंग्स हमें क्या मिलेगी फर्स्ट ए बी टाइटन बढ़ा हुआ मिलेगा वायरस कल्चर करेंगे तो हमें एच फाइव एन वन वायरस मिल सकता है आर टी पी सी आर करवा सकते हैं हम उसके अलावा इम्यूनोफ्लोरिस एंड एलाइजा टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज अमेंटेडीन एंड रिमिटेडीन आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस और यू कैन से द ड्रग्स दैट आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू वर वी स्टडिंग स्वाइन फ्लू नो वी वर स्टार्डिंग बर्ड फ्लू सो दीज आर द ट्रीटमेंट और द मेडिसंस दैट आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बर्ड फ्लू ना आई हैव ऑलरेडी आज यू दैट स्वाइन फ्लू कौन से वायरस से स्प्रेड होता है अगर आपने कॉमेंट नहीं किया तो चलिए चेक करके आते हैं एंड द वायरस इज इनफ्लुएंजा एच वन एन वन एंड बर्ड फ्लू इज कॉज बाई इन्फ्लुएंजा एच फाइव एन वन वायरस ठीक है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है एंड फ्रेंड्स दिस इज इट अबाउट बर्ड फ्लू आई होप आई वीडियो ऑल अंडरस्टैंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज सब्सक्राइब टू मेड यूर बडी एंड हिथ द बेल आइकन थैंक यू